Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss the GATE 2018 paper. जो last videos थी हमारी उसमें हमने GATE 2019 का discussion किया था, ठीक है ना। तो आज हम GATE 2018 का question paper discussion करेंगे, इसमें all things देखेंगे कैसे करनी है आपको। तो ये देखिए, आपको पता कि 10 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड के आते हैं, तो उनको भी अगर आपके पास टाइम है, आपने सिलेबस कर लिया है, तो आप ट्राई करो कि आप जनरल एप्टीट्यूड भी कर लो, ठीक है। अब देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शंस दे रखे हैं और आपको मेजर प्रोडक्ट देखना है हमें, तो आपको रिएक्शंस देखने से पता चलेगा ये एज ए कैसी रिएक्शन। आपको पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस जैसे दिख रही है यहाँ पे, तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में एक डाइन होता है आपका, एक डाइनोफाइल होता है, फिर दोनों रिएक्शंस करते हैं। अगर आप इसके सॉल्यूशंस देखोगे, जैसे इसका प्रोडक्ट, वैसे हम बिल्कुल इन डिटेल तो नहीं जा रहे क्योंकि इन डिटेल जाएंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब तो आपके पास अगर किसी स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो वो वहाँ से देख सकता है, और एक ऊपर से आपको आइडिया हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं कम टाइम में हो सकते हैं उनको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन देखो ये दे रखा था, अब डाइन है, अब आपको पता है कि इसकी रिएक्शन यहाँ पे होगी, तो इसका आंसर तो होने वाला है आपका सी वाला, और यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस भी है। जैसे आपका अल्किन की रिएक्शन आपकी 3-methyl-bicyclo-2-pin है, यह हम बता रखा है कि फोस्फीन। अब इसकी एक साइकिल, अब इनकी रिएक्शन करवाओगे, अब जैसे ये वाला डाइन के मॉलिक्यूल इसके साथ में, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का सेम मतलब ही है, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड, अब आपको पता है कि ये यहाँ अटैक करेगा ये यहाँ, और सी एल आपका रिमूव हो जाता है, फोस्फाजीन गैस होती है, इसमें सेम ही रहने वाला है। अब देखिए हम इसका नीचे, ये तो इसका मैकेनिज्म होगा, आपका 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ से आप इसको देखें, हम हाईलाइट कर देते हैं एक बार, 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है। अब देखिए आप जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, वो बोल रखा है कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, किसे कहते हैं मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करके दी पता है। अब दो इक्विवेलेंट दे रखे हैं आपकी ये इसके, और प्लस में आपको करना है बेंजाल्डिहाइड दे रखा है, अमोनिया और पीएच दे रखा है आपका 8.5, इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो क्या प्रोडक्ट होने वाला है। तो एस्टर तो कहीं नहीं जा रहा, अब आपको बताइए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यहाँ पे, ये अटैक करेंगे ये रिएक्शन, तो इसका आंसर तो अपने का फो होने वाला है। ये पिरिडिन की सिंथेसिस अगर आपने हेट्रोसाइक्लिक में की होगी तो वहाँ पे ये कंप्लीट आता है कि पिरिडिन की सिंथेसिस आप कैसे करते हो। देखो दो पहले टू इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल्स थे इस मॉलिक्यूल्स के, प्लस अमोनिया आपने इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो इन दोनों के रिएक्शन से आपका ये प्रोडक्ट हो गया इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। देन आप रिएक्शन करवाओगे जो आपका रिएक्टेंट था बेंजाल्डिहाइड, तब आपका फोर्थ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ये ऐसे आप इसका मैकेनिज्म्स भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे सारा मैकेनिज्म इसका भी बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं। अब आपको देखो सिंपली कहीं भी दे रखा हो बेस का, तो बेस कहीं भी दिखेगा, तो बेस का क्या काम होता है आपका, प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्ट करना होता है, तो यहाँ से प्रोटोन का अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ये बोन आपका यहाँ आ जाएगा। अब ऑक्सीजन वाला बोन है यहाँ, तो ऑक्सीजन के ऊपर बोन आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ये रिएक्शन सिंपल कर रखी है, ठीक है। फिर बाद में रीअरेंजमेंट कर रखी, तो आप बोन्स के मूवमेंट देखोगे तो सिंपल, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप आइडिया हो जाता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा, जैसे मेजर प्रोडक्ट बताओ फॉलोइंग इंट्रामोलिकुलर साइक्लोएडिशन रिएक्शंस, तो साइक्लोएडिशन रिएक्शंस करनी है आपको। अब इसका आप देख सकते हो मैकेनिज्म, जैसे ये है अल्फा बीटा जो 2+2 साइक्लोएडिशन रहनी, क्योंकि 2+2 4 पाई बॉन्ड होगी, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, ठीक है। तो आपके 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे, एक एक्जो प्रोडक्ट बन सकता है एंडो, तो यहाँ पे मेजर एक्जो होने वाला है, ठीक है। और इसके एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ से देख सकते हो, पूरा इन डिटेल करेंगे हमें तो ज़्यादा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, 1 मिनट। ओके अब देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस SiMe3। हम इसमें आपका कलर चेंज कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ओके ठीक है, अब आपका ये देखो ये रिएक्शंस दे रखी थी, आपने सुना होगा ये जो ओलिफिनेशन वाली रिएक्शंस होती हैं हम करते हैं, और बेस के साथ में रिएक्शन, तो बेस तो आपको कहीं पे भी दिखेगा, तो आप क्या करोगे प्रोटॉन को लेने वाला है, तो बेस यहाँ पे आकर जैसे ओ लेंगे। अब ये भी एलिमिनेट होगा SiMe3 भी, यहाँ पे आपका फॉर्मेशन किसकी होने वाली है, अल्कीन की फॉर्मेशन होने वाली है आपकी, तो ये आपने अल्कीन की फॉर्मेशन कर ली। और ये हमने बताया था आपके 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आपको, जैसे पेट्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन जो आप देखते हो, तो उसमें अगर आपका बेस दे रखा हो तो सीस प्रोडक्ट बनता है, और अगर आपको एसिड मिलता है यहाँ पे, मान लिया कोई एसिड होता है HCl होता फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका HCl होता तो आपका ट्रांस प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट आपका जो ए वाला है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती, क्योंकि ये ट्रांस है और ये सीस है। सीस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अभी इसका ये मैकेनिज्म आप देख सकते हो कैसे हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई हार्ड वाली थिंग्स नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अब ये रिएक्शंस दे रखी हैं LDA के प्रेजेंस में रिएक्शन फिनाइल, तो सबसे पहले आपको पता है कि LDA क्या होता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल। अब ये कहाँ पे रिएक्ट करेगा,
पहले तो आपका बेस है, एच टाइप ऑफ बेस है, तो बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन का अपस्ट्रैक्ट। और ये कौन सा एडिशन देता है आपका, 1 2 देता है, 1 3 देता है, 1 4 देता है, इनका भी पता। जैसे गिलमेंस रिएजेंट है 1 2 देता है, ग्रिगनार्ड है वो 1 2 देता है, गिलमेंस आपका 1 4 कंजुगेट एडिशन देता है, बट जो आपका गिलमेंस होता है ना वो तो 1 4 देता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट आप देखते हो 1 2 एडिशन करता है आपका। तो 1 2 जैसे आप यहाँ पे नंबर देते हो 1 2 3 4, अब जैसे फोर्थ पोजीशन से आप डिटेक्ट कर रहे हैं एच को या 2 से कर रहे हैं, तो वहाँ से आप सबसे पहले आप यहाँ से एल डी है ना वो इसका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, देन आप मेजर माइनर करोगे, फिर आपका जो फिनाइल सेलेनियम वो चला ना वहाँ से रिएक्शन करवाओगे आप। द मेजर बोर्ड फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो ऑर्गेनिक की रिएक्शन काफ़ी आती हैं तो ये भी देख सकते हो आप, इसमें वेटेज तो सभी की इक्वल रहती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल। सेवन क्वेश्चन देखो, स्पेरिकल हार्मोनिक फंक्शंस है विद अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ एल एंड एम इज आइगन फंक्शन। अब ऑपरेटर से आइगन वैल्यू से क्वेश्चन आया है, क्वांटम ऐसे हमने स्टार्ट भी की थी एमएससी की, तो वहाँ से भी कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, यू कैन वॉच। अब देखो हार्मोनिक फंक्शंस दे रखा आपका एल स्क्र एक्स प्लस एल स्क्र वाई, तो आपको पता है कि जो एल स्क्र एक्स है वो क्या होता है, एल इन टू एल प्लस वन माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट वहीं पुट कर रखा है आपका वही से, क्योंकि एल स्क्र प्लस एल वाई करोगे ना आप तो वो किसका इक्वल आएगा, आपके एल स्क्वेयर आप जेड कर दोगे, एल स्क्वेयर जेड में से आप अगर आप एल स्क्वेयर को माइनस कर दो, ठीक है, एल जेड में से हम क्या माइनस करना है आपको, एल स्क्वेयर जेड, अब एल जेड में से एल स्क्वेयर, अब एल जेड का फॉर्मूला आपको पता है कि एम एच कैट होता है, इसका स्क्वेयर करना है आपको, ठीक है, एल यहाँ पे आप लिख लीजिए जैसे एल स्क्वेयर जेड में से एल स्क्वेयर, क्योंकि आपको पता है कि तीन आपके एंगुलर मोमेंटम है एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जेड, तो एल एक्स प्लस एल वाई किसके इक्वल होगा, एल एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जेड टोटल एल के। अब दो की वैल्यू की मैंने तो आप कैसे निकालोगे, टोटल एल में से एल जेड माइनस कर दोगे, एल स्क्वेयर माइनस एल जेड कर दोगे, अब एल स्क्वेयर की वैल्यू आपको पता है कि एल इंटू एल प्लस वन होती है, और आपको एल जेड की वैल्यू पता है एम एच कैट स्क्वेयर, तो एच कैट दोनों में कॉमन है वो निकालोगे, तो सीधा फॉर्मूला है, इसमें कुछ हार्ड वाली थिंग्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप कंसिडर द ऑपरेटर ए प्लस, ये दे रखा है ए माइनस, वेयर एक्स एंड पी एक्स आर द पोजिशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, द कोमेटेटर ए प्लस एंड ए माइनस इज इक्वल टू, कोमेटर्स इनकी वैल्यूज बतानी है आपको। अब देखो ए प्लस की वैल्यू दे रखी है ए माइनस की, कोमेटेटर ए बी है तो उसको कैसे सेपरेट करते हो, ए बी है तो इसका मतलब ए बी माइनस बी ए, इन दोनों की मल्टी ए बी किया माइनस बी ए किया मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे आपको सिंपल सोल्व करना है, तो यहाँ पे एच वैल्यू आ गई है। अब नाइन्थ क्वेश्चन देखो, टेम्परेचर डेरिवेटिव द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल ई एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर डेली बाई डेल्टी पी इज गिवन। अब सिंपल हमने बताया, कई बार डिस्कस भी किया हुआ है कि रियल रिलेशन होते हैं काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो डेल एस होता है वो होता है आपका एन एफ डेली बाई डेल्टी कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो आपको रेशियो कौन सा निकाला, डेली बाई टी निकाला था, दैट मीन्स इसको आपको वन करना, अपने कोफिशियंट कब कर सकते हैं, जब एन एफ को डिवाइड कर दें देन हमारी इक्वेशन ये बन गई, ठीक है, तो इस इक्वेशन का आपका डेली बाई डेल्टी किसके इक्वल आ जाएगा, डेल एस बाई एन एफ का, दैट मीन्स अवर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फॉर एन आयनिक मीशेल फॉर्मिंग सर्फेक्टेंट नियर इट्स क्रिटिकल मीशेल कंसंट्रेशन द डिपेंडेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड सर्फेक्टेंशन और सर्फेक्टेंट कंसंट्रेशन बेस्ट कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसकी थिंग्स आपको बतानी कि कौन सा बेटर इसमें रिप्रेजेंट करेगा जो ग्राफ। अब यहाँ पे देखो आपका ये जो बी वाला है बेटर है फिजिकल, अब जो जो प्रॉपर्टीज है वो सर्फेक्टेंट कंसंट्रेशन का, तो मोलर कंडक्टिविटी पहले तो जैसे कॉन्स्टेंट बाद में शार्पली आपका डिक्रीज हो जाती है, और इसका अगर आप रीजन देखोगे जैसे यहाँ पे इसको आप कंप्लीट, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी को जैसे आप अगेंस्ट इसमें करते हो तो कैसे वो डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है कंप्लीट, आप सॉल्यूशन चैप्टर में अच्छे से पढ़ते हो वैसे तो। नेक्स्ट इक्वेशन होती है आपकी ईरिंग इक्वेशन, तो यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है तो आपको अच्छे से करना है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में आती है आपकी ये, तो ये एक नर्नस इक्वेशन होगी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड ईरिंग इक्वेशन से डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, तो इसका मतलब कि वन लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस दैट लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जो इरिंग ट्रांजिशन स्टोरी यही बोलते हैं ना, अब ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, अब ये देखिए आपका इरिंग इक्वेशन डेवलप बाय द हैंड, ये मतलब इसकी स्टेटमेंट दे रखी है कि हमने कैसे एक्सप्लेन किया इसको, हम चलते हैं हम नाइन्थ ट्वेल्थ क्वेश्चंस में। अब देखिए बेस्ड ऑन द वेट्स रूल, ये मैंने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, सो ट्रिक्स मैंने 1 1 मिनट की वीडियोस भी डिस्कस की हुई है कैसे आप ट्रिक्स से निकाल सकते हो, एक बार आपने वो सीख लेना तो वहाँ पे आपके आईआईटी जैम का एग्जाम हो एंट्रेंस का एग्जाम सब में कर सकते हो। अब बी फाइव एच एट देखो, हमने आपको बता रखा है एन सेम करना होता है, तो बी फाइव एच भी आप फाइव करोगे तो फाइव करोगे तो एट में से फाइव करो तो थ्री, और एक नेगेटिव पहले से था तो फॉर्मूला क्या आपका, तो कितने चार्ज आपका नेगेटिव हो गया है, यहाँ से आपका 4 नेगेटिव चार्ज हो गया है, नेगेटिव
ठीक है, अब आपका यही बता रखा है कि अब बी एन एच एन हमने बताया था, 2 नेगेटिव होता है तो क्लोजो होता है, 4 नेगेटिव होता है तो आपका नीडो होता है। तो आपको पता है कि 4 नेगेटिव होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका नीडो स्ट्रक्चर्स। तो वहीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द कोपराइनो प्लास्टोसिनिन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म। अब प्लास्टोसिनिन दे रखा है, वो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म में बताना आपको क्या ज्योमेट्री रहने वाले, कि वो टेट्राइडल स्क्वेयर प्लेन रहेगा या डिस्टोर्टेड टेट्राइडल रहने। तो ये आपके बायो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपके थ्योरेटिकल होते हैं, अपने एग्जाम से 10 डेज या 15 डेज भी पहले भी आपने रिवाइज कर लिया तो आप आसानी से कर सकते हो बायो इनऑर्गेनिक को। अब यहाँ पे देखो वाटर एक्सचेंज रेट बोल रखा है फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन फॉलो द ऑर्डर, ऑर्डर्स दे रखा है आपको डिफरेंट। तो हमने इसका वे भी बताया था, वाटर एक्सचेंज रेट के लिए आप किस पे डिपेंड करते हैं, साइज और चार्ज के ऊपर। देखो इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं उनके ऊपर आप ध्यान रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपका, कॉम्प्लेक्स अलग होगा बट जो फैक्ट लगने वाला है वो सेम ही है, डिपेंड करेगा साइज पे, चार्ज ऑफ मेटल आयन कैसी है। तो अगर मेटल आयन की स्मॉल साइज है, वो चार्ज अगर कम है, तो एक्सचेंज रेट आपका फास्ट रहने वाला है। तो वैसे ही अभी यहाँ पे देखो चार्ज ज्यादा था, तो दैट मीन्स आपको ये समझ आ गया कि इसकी तो सबसे कम ही रहने वाली है, ठीक है, क्रोमियम की, क्योंकि चार्ज ज्यादा था तो लेस, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है इनका एक्सचेंज रेट का। अब छोटी होनी चाहिए साइज, अब देखो एक कोबाल्ट है, एक वेनेडियम है, एक क्रोमियम है, तो इनका साइज का ऑर्डर का आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, लोवेस्ट एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे एनर्जी कम किस में रहने वाली है। अब यहाँ पे देखो अब ये कह रहा है कि क्रोमियम H2O की, क्रोमियम इसकी एंड साइनाइड की, तो इसके लिए आपको क्या चेक करना होता है, स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड। हमने कई बार बताया आपको, इससे क्वेश्चन हो जाते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड होगा ना, अब आपको तो CFS उसकी हाई मिलती है, ठीक है, और एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन, एनर्जी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ आपकी कम होती है, तो लोएस्ट एनर्जी सबसे कम। अब ये देखो आपका वीक फील लिगेंड है, तो यहाँ पे तो एनर्जी सबसे कम रहने वाली है, लेस स्प्लिटिंग होती है इसमें, तो उसी ऑर्डर से हम एक्सप्लेन कर सकते हो। स्मिट्री लेवल टू बैलेंस पी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन इन एन ऑक्टाइडल लिगेंड फील्ड, तो स्मिट्री आपको पता है कि ऑक्टाइडल में पी ऑर्बिटल को आप T1U से डिनोट करते हो, लाइक अगर आपका S आ जाए तो आपको A1G लिखते हो ना, वैसे ही आपको पी ऑर्बिटल का पूछ सकता है, कई बार आपको D से पूछ सकता है, तो इनका भी आपको आइडिया होना चाहिए। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, द बॉन्ड एंगल TICC एंड इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स दे रखी है। अब ये डिस्टोर्टेड क्यों है उसका रीजन बताना है, ये आपका आप देखते हो कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हो, अगोस्टिक इंट्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो अगोस्टिक इंट्रैक्शन से ये थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो बता रखा आपका कैसे होता है ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो। अब ये देखो 8th क्वेश्चन आपका पूछ रखा है कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड, टेम्परेचर रेंज दे रखी है 298 से 4400 एंड CPM ये दे रखा है। अब मोलर एंथैल्पी चेंज बोला है कि जब सब्सटेंस को आप 300 से 350 पे हीट कर रहे हो, अब बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो CPM आपका क्या होता है, डेल एच बाई डेल टी होता है, ठीक है। अब आपका डेल एच हो गया और डेल टी टेम्परेचर चेंज, तो यहाँ से आप CPM को कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पे आ गया आपका 40। अब यहाँ पे आपको मैरी कैलिस इक्वेशंस लगानी है 40+BT, तो यहाँ से आप आसानी से बी को कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेट होता है, कैलकुलेटर गिवन होता है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, न्यूमेरिकल अच्छे से सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही है। ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट जो क्वेश्चन हमने पेपर डिस्कशन किया था उसमें भी आपका लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का गिवन था, थीटा इज इक्वल टू KP/1 KP/1/N, ठीक है। और स्टूडेंट जो लास्ट वीडियोस में हमने अपलोड किया था आपका गेट का, वो 2019 का पेपर था, और ये अब के बारे वाला है 18 का, और हमने जो आपका लिखा था, जो नेम था आपका, टाइटल था वीडियोस का, उसमें आपका गेट 2018 मेंशन है, तो वो आप करेक्शन, वो आपका 19 का था, अब जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो 18 का, एक्सचेंज हो गया लिखने में, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दैट। एंड 20 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी इस टाइप का, सेम टाइप का हम बोल सकते हैं, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, फॉर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% डिसइंटीग्रेशन 8 डेज, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99 डिसइंटीग्रेशन। तो सिंपल आपको क्या लर्न करना है, ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 T लॉग एन नोट बाई एन, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको एन नोट पता है तो यहाँ से एन कैलकुलेट कर सकते हो, टी ऑफ क्या होता है आपका 0.693 बाई लैम्डा, तो यहाँ से आप टाइम की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एंड 2 मोल ऑफ आइडियल, ये आपका रिएक्शंस कर रही है, तो यहाँ पे आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो एंथैल्पी वाला जो एस मिक्सिंग का पता होना चाहिए, ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था आपका, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होती रहती है, पैटर्न सेम ही रहता है आपका। अब यहाँ पे देखो आपका एनर्जी है जो
एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन इट्स ग्राउंड स्टेट इक्विलिब्रियम कॉन्फिगरेशन इन डिसोसिएशन एनर्जी होता है, तो हमने आपको बताया था कैसे। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, बहुत सिंपल है आपका। H2 क्या होता है, उसको डिसोसिएट करोगे तो 2H+ में, तो उसकी एनर्जी दे रखी थी माइनस में, वही करनी है तो आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, तो एटोमिक नंबर आपको ऑल थिंग्स गिवन है, तो यहाँ से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये कपलिंग कॉन्स्टेंट से इक्वेशन है। कार्पलस इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट रहती है, और ये मैंने एक वीडियोज में आपका वैसे बोर्ड के ऊपर भी डिस्कशन किया था कि कोई भी क्वेश्चन आपको कपलिंग कॉन्स्टेंट निकालना हो कैसे निकालोगे आप डेल्टा उनका, कपलिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है, डिस्टेंस होती है टू पीक की, तो उनका डिफरेंस निकालो इनटू में जो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कपलिंग कॉन्स्टेंट, और उसको हर्ट्ज में हम मेजर करते हैं। ठीक है, काफी सिंपल है, ईजी है, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मास स्पेक्ट्रोमीटर का, ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक से है, जैसे इन द फॉलोइंग रिएक्शन किसे कहते हैं पीएच, ये वही रिएक्शन है पैटर्सन एलवाइस, मेजर और माइनर आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए इनन्सोमेरिक पेयर का पूछ रखा है, तो इनन्सोमर्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि हमने स्टीरियो केमिस्ट्री की काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो ऐसे करेंगे तो हमारे लवर्स वीडियोस हो जाएंगी। ठीक है, ये है आपका 29 का ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ये देख सकते हो। थोड़ा फास्ट कर दी क्योंकि लार्ज शॉर्ट वीडियोज हो जाती है ना, तो नेट की हमारे प्रॉब्लम रहती है, तो लार्ज वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि वीडियो शॉर्ट हो ताकि स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा टाइम ना लगे और वीडियो अपलोड होने में कोई प्रॉब्लम इशू ना हो, इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा 30 का क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक की है CF3 शॉर्ट, ये जन काफ़ी यूज होता है, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप यूज़ करते हो। ठीक है, अब ये रिएक्शंस दे रखी है आपको, ये है जो कीटोन, ये वाली चीज़ है ना, ये आपको हाइड्रोलाइज हो जाए, यहाँ पे आपका प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होने वाली है। अब मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, SN बुटाइल थ्रेस PDP PH3 4 टोल्यून है, ऐसे कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन करोगे तो सोल्यूशन आपका ये हो जाएगा आपका डी। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिट्रोएल्डोल रिएक्शंस किसे कहते हैं, रिट्रोएल्डोल है तो आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा आपका बी वाला। अगर आप ऐसे बोलोगे कि हमें डिटेल डिस्कशन चाहिए, स्टूडेंट्स के डिमांड होते हैं, तभी हम ट्राई करेंगे वीडियोस अपलोड करें, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे गेट केमिस्ट्री के जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो कमेंट जरूर करें, जिनको भी अगर समझ आ रहा है या कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट लगती है तो आप वो कमेंट करें ताकि हम उसमें इम्प्रूव करें ना कुछ। तो O2 कोऑर्डिनेटेड, ये हमने बताया था बायो इनऑर्गेनिक से सेम क्वेश्चन आ गया। अब की बार देखो ऑक्सी मायोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोसाइनिन में इन्होंने पूछ लिया, तो ऑक्सी मायोग्लोबिन में आपका कैसा होता है, आपको पता है सुपर ऑक्साइड होता है, और ऑक्सी हीमोसाइनिन में पर ऑक्साइड। अब पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, O2 और आपका 2- होता है। ठीक है, O2 2-, और आपको जो पर ऑक्साइड होता है आपको उसमें सिंपल 1-, तो यहाँ पे सुपर ऑक्साइड का याद रखो 1- आएगा, और जो पर ऑक्साइड है, पर का मतलब दो दो पैर होते हैं ना हमारे, तो वैसे ही 2- चार्ज आएगा, तो वहां से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, याद रखने के लिए बोला है हमने। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या होगा, स्पेक्ट्रम, देखो कई थिंग्स होती हैं कि जो इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको हर एक लर्न होना ही चाहिए, तो उसके लिए ही थिंग्स है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट की देखो 2 बार आ गई, अरहेनियस इक्वेशंस हर बार आती है, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, अगर इसका आपको पता चल गया तो ये वैसे हमारे ये जो चीज कर रहे हैं ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से कर लेना है। PYQ भी आप अच्छे से कर लेते हो तो ईजिली यू कैन क्वालिफाई। ठीक है, और अच्छे मार्क्स अगर आपको लेने हैं गेट पेपर हो रैंक के साथ, तो आपको एप्टीट्यूड भी सारा सिलेबस यू मस्ट हैव कवर, तभी आपका हो पाएगा। अब ये देखो ये क्वेश्चंस भी सेम टाइप का आपका यूज हुआ है, यही सेम था, उसमें वैल्यूज अलग थी, रोटेशनल वाई यही फॉर्मूला यूज होना था, BJ into J+1 V+1/2 ओमेगा ई, ये फॉर्मूलाज यहाँ पे न्यूमेरिकल है आपको सोल्व करना है, ये आप देख सकते हो टेट। अब आपके आगे हैं जैसे 56 से अगर आप स्टार्ट करोगे, तो 56 से आपका आ गया जनरल एप्टीट्यूड, तो विहंस देखो विहंस ही फेल डाउन खालिस्तान, सी रिसीव्ड मनी बट लिटिल हेल्प, द वर्ड्स दैट बेस्ट फील ब्लैंक इन द बो सेंटेंस, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्टेयर्स, एंड अभी यहाँ पे करोगे आप विहंस ही फेल डाउन द स्टेयर्स से, अब इसमें क्या होता है इंग्लिश में आपका सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि क्या आ सकती है। अब देखो यहाँ पे वो गिर रहा है, सी फेल डाउन है, कहाँ से गिर सकते हैं, हम सीढ़ियों से गिर सकते हैं, तो स्टेयर्स बोलते हैं उसको, तब स्टेयर्स आए, फिर सी रिसीव्ड मनी बट लिटिल हेल्प की, तो वहाँ पे आपका स्टेयर्स वर्ड यूज होगा। तो इंग्लिश के लिए आपको सिंपल जो जनरल ही पता होना चाहिए क्या थिंग्स होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल, एरिया, स्पीयर, इनका आपको वो भी आइडिया होना चाहिए कि कितना एरिया होता है, वॉल्यूम कितनी होती है, ये सेम थिंग्स है। अब देखो सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन है, वो आपको इंटरसेक्ट कर रही है दूसरे सेट से, तो कितनी पैरेलोग्राम फॉर्म होंगी, तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आप, जैसे 4 पैरेलल लाइन है और 5 है, तो 2 इंटरसेक्ट हो सकते हैं, तो इनका आपको मल्टीप्लाई करना है 4 into 5 into 2, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 60।
अब देखो 63 में क्या होता है, टू पास ए टेस्ट कैंडिडेट नीड्स टू, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशंस के, तो वहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हो। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो उनको भी आपको ऐसे जनरलाइज करके रूट्स निकाल के आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था हमारा लास्ट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी कुछ क्यूरी लगती है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, और जो स्टूडेंट्स बीएससी के हैं या एमएससी के, तो बीएससी के अगर सिलेबस की वीडियोस अगर वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं, और एमएससी की देखना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर की भी हमने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक्स के अगर कोई स्टूडेंट्स वॉच करना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हो, रिविजन सीरीज़ की हमने काफ़ी चैनल्स के ऊपर वीडियोज़ अपलोडेड हैं। और कुछ क्यूरी लगते हैं तो कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्यूरी, एंड थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।